तो देखिए ये प्रेम यादव की पत्नी है, आप देख सकते हैं उनकी और बेटी भी हैं, दोनों लोग तो देखिए कुछ इस प्रकार माहौल है इनके घर के बाहर का। ये देखिए पुलिस प्रशासन के द्वारा गेट बंद किया और हम आपको नोटिस का चस्पा आपको दिखा देते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार का माहौल है ये यहाँ का। नमस्कार, इसमें हम लोग देवरिया में हैं और देवरिया हत्याकांड के बारे में तो आपने सुना ही होगा। फिलहाल हमने अपडेट भी दिया था, एक पक्ष का एक व्यक्ति और दूसरे पक्ष का 5 व्यक्ति की डेथ हुई थी। और फिलहाल हम लोग प्रेम यादव के घर पर हैं। सामने दिखा दीजिए, ये देखिए है प्रेम यादव का घर और सामने इसी पर जो बात चले बुलडोजर चलाने की और शासन व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद यहाँ पर की गई है। बड़ा उहापोह की स्थिति है कि क्या इनका जो बाबा का बुलडोजर है इस पर चलेगा। बाकी आगे खबरें हम लगातार आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आप भीड़ देख सकते हैं, लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ पड़ा है। सामने आप देख सकते हैं इतनी भीड़। आज नापी का काम आज भी चला, लेखपाल वगैरह सामने वहाँ पर हैं और जो जरीब खींचने का काम है, जरीब से चूँकि नापते हैं ये लोग, तो उसका काम यहाँ पर चल रहा है। शासन व्यवस्था साथ ही साथ जो यहाँ के जो प्रेम यादव के रिश्तेदार हैं या समर्थक हैं वो लोग देखिए इतनी ज़बरदस्त भीड़ यहाँ पर इकट्ठा कर लिए हैं। और इनका कहना है कि जो बुलडोजर है वो नहीं चलना चाहिए, एक पक्ष कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इनका कहना है। और बाकी ये सब जांच का विषय है, क्या होगा आगे। फिलहाल आइए चलिए रूबरू करवाते हैं जो यहाँ के पब्लिक है, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। के शासन व्यवस्था के लोग जो है, जो भी यहाँ पे इनके समर्थक हैं, उनको यहाँ से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से हटाने का काम कर रहे हैं। और देखिए जो उनके समर्थक हैं, तमाम जो लोग अगल बगल के हैं, ऐसा भीड़ लग चुका है कि देख सकते हैं आप कितनी ज़बरदस्त भीड़ है। और लोगों में हाथापाई की व्यवस्था है वो भी आप देख सकते हैं। देखिए जो किस प्रकार से यहाँ पर हाथापाई चल रही है। मांग है कि हम लोग यहीं पर बैठेंगे और देखिए किस प्रकार से, देखिए सभी लोगों की मांग है कि हम यहीं पर बैठेंगे और अब देखना होगा कि शासन की तरफ से क्या आगे की कार्रवाई की जाती है। फिलहाल बने रहिएगा। देखिए सीपी महोदय आ चुके हैं और देखिए किस प्रकार से खेत खेत में जो है इनके कार्यकर्ता दूर दूर तक दिख रहे हैं। और एसपी महोदय देखिए जैसे ही लाठी चार्ज हुआ, देखिए सभी लोगों के चप्पल आप देख सकते हैं किस प्रकार से चप्पल जो है छोड़ करके भाग गए हैं। देखिए तोड़ भी दिए हैं और देखिए हमारी आवाज को हम बस न्याय मांग रहे हैं। एक परिवार को मुख्यमंत्री जी जाके और गोद में खिला रहे हैं, परिवार को नमस्ते हालचाल भी नहीं पूछ रहे हैं। ये कहाँ का नाम, मौत तो इनके घर में हुई है ना, अनाथ इनके भी बच्चे हुए हैं ना, इनकी 3 बेटी है, 1 बेटे हैं जो अनाथ हो गए, उनकी बीवी विधवा हो गई है। हटिए यहाँ से, हटिए। देखिए एसपी महोदय लठ लेकर आ गए धान के खेत में और किस प्रकार से देखिए जो उनके समर्थक हैं भाग रहे हैं और ये अब किस प्रकार की कार्रवाई है, अब ये तो सोचने का ही विषय है। फिलहाल आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इनके बारे में आप क्या सोचते हैं। और फिलहाल वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है।
बैठा लो सारे जाओ ना यार, चलो भागो, जाओ ना, नपाई काम चल रहा है देखिए जरीब, और साथ ही साथ इसकी वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है, और देख सकते हैं वहाँ पर हैं कैमरामैन, और साथ ही साथ हर जगह निशान भी लगाया जा रहा है, क्या चीज़ें हैं, कहाँ पर चीज़ें उसको अंकित करने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। ये देखिए प्रेम यादव के वकील साहब हैं, और देखिए वहाँ से नापी का काम चल रहा है, और साथ ही साथ वीडियोग्राफी का भी काम चल रहा है, कैमरामैन